हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन, आईटी गुरुज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं करने जा रहा हूँ डेस्कटॉप की अनबॉक्सिंग। वो भी एचपी का डेस्कटॉप है, प्रोफेशनल वर्जन का, कमर्शियल सीरीज का डेस्कटॉप है। इसका मॉडल नंबर है दोस्तों HP 280 Pro, मतलब वो भी टावर वाला पीसी है। और इसके अंदर क्या आता है क्या नहीं आता वो करते हैं अनबॉक्सिंग स्टार्ट। और इसके अंदर दोस्तों ये देखो, इसके अंदर एक स्टिकर लगा हुआ है, इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है HP 280 Pro G6 माइक्रो टावर। माइक्रो टावर CPU इसके अंदर आता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है मैं ओपन करके आपको बताता हूँ, और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आती है वो सब कुछ बताता हूँ। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता। ये कॉमर्शियल सीरीज का डेस्कटॉप है, तो इसमें बाहर डिटेल कुछ भी नहीं आती। तो करते हैं अपन इसको ओपन। ये देखो दोस्तों, इसमें इस तरीके से रखा हुआ आता है। सबसे ऊपर रखा हुआ था कीबोर्ड, ये है इसका कीबोर्ड। और दोस्तों इसके अंदर एक पॉलिथीन इधर साइड में रखी हुई आती है। और इसके अंदर देखो क्या क्या रखा हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर सील पैक आती है, इसके अंदर एक पावर केबल आती है, एक इसके अंदर है माउस। इसके अलावा इसके अंदर एक यूजर मैनुअल आता है, किस तरीके से तुमको इसको इंस्टॉल करना होता है, इसको मैं रखता हूँ साइड में। इसके बाद अपन इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए इसको अपन बॉक्स को उल्टा कर लेते हैं ताकि ये आसानी से निकल जाए। ये देखो दोस्तों, ये इसके ऊपर पूरा अच्छी तरह से पैकिंग आती है ताकि कोई डेस्कटॉप को कोई नुकसान नहीं हो। आप आराम से इसको ओपन कर लेना। दोस्तों इसकी लुकिंग देखो, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी लुकिंग है। इसके अंदर HP का लोगो बना हुआ है, यहाँ पे इंटेल की ब्रांडिंग करी हुई है। इसके अंदर i3 प्रोसेसर इसके अंदर डला हुआ है और 10 जनरेशन है वो। और ये इसके अंदर इसका ऑन ऑफ करने का स्विच है। इसके बाद ये इसके अंदर आप हेडफोन लगा सकते हो। इसके अलावा 6 पोर्ट USB के हैं और ये SD स्लोट है, SD कार्ड का स्लोट है। इसके अलावा दोस्तों इसके पीछे की तरफ अपन चलते हैं, तो पीछे ये अपने साउंड के पोर्ट हैं, ये HDMI पोर्ट है, ये VGA पोर्ट है, ये एक कॉम पोर्ट भी दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों 2 USB पॉइंट है और एक है ये RJ45 कनेक्टर का LAN पोर्ट। और ये यहाँ पे SMPS है और ये यहाँ पे फैन लगा हुआ है एग्जस्ट वाला। इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं है, ये मीडियम साइज का अपना कह सकते हैं, इसके अंदर मीडियम साइज का CPU है। और तो दोस्तों इसकी कॉन्फ़िगरेशन है i3 10 जनरेशन, और इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है 1 TB की। आप चाहो तो इसको अपग्रेड कर सकते हो, NVMe इसके अंदर लगा सकते हो, इसके अंदर NVMe का स्लोट भी दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर 4 GB रैम है, आप इसको अपग्रेड करके 16 GB तक कर सकते हो। और इसको दोस्तों इसके अंदर केवल साथ में CPU और इसके अलावा इसके अंदर एक कीबोर्ड और माउस, ये 2 चीज ही आती है इस बॉक्स के अंदर। और इसके अलावा आपको स्क्रीन अलग से लेनी पड़ेगी, उसकी कॉस्टिंग अलग होगी। इसकी कॉस्टिंग दोस्तों अगर ये DOS मोड में लेते हो, अगर जिसके अंदर DOS इंस्टॉल है, अभी जो मैं आपके सामने जो PC दिखा रहा हूँ इसके अंदर DOS इंस्टॉल है, ये लगभग 33,000 के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके चेक कर सकते हो कि क्या कॉस्टिंग पड़ रही है। इसके अलावा अगर विंडोज वाला आप लेते हो तो वो 37,000 से 38,000 के आसपास इसकी कॉस्टिंग आती है। इसके अलावा स्क्रीन अलग से लेनी पड़ेगी, उसकी कॉस्टिंग करीब 7,000 के आसपास अलग से आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ब्रांडेड जो PC होता है थोड़ा सा महंगा तो होता है, लेकिन चीज़ अच्छी होती है, ये तो है। इसमें प्रॉब्लम्स बहुत कम आती है क्योंकि ब्रांडेड PC है। आप इसमें NVMe लगा के और आराम से मस्त PC बना सकते हो, रैम भी अपग्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। दोस्तों मैं इसको ओपन करके आपको बताता हूँ कि इसमें इसके अंदर NVMe का स्लॉट है कि नहीं है, क्या है अंदर से, किस तरीके से दिखता है ये। ये मैंने ओपन कर दिया। इसके अंदर ये CPU फैन लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर ये स्लॉट जो दिया हुआ है, इसके अंदर आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। इसके अलावा ये रैम यहाँ पे लगी हुई है 4 GB। और यहाँ पे अंदर की तरफ देखो एक CMOS बैटरी लगी हुई है, उसके पास में आप एक वो NVMe लगा सकते हो आराम से। इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये इसके अंदर आप ये केबल एबल है, इसकी साटा केबल है, इस तरीके से अंदर से ये एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर
सब कुछ बना हुआ है, मैंने आपको खोल के दिखा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और अगर बाय करना चाहो तो बाय भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।